वेलकम टू स्काई मेडिकल। आज हम बात करेंगे स्टमक के बारे में। कुछ एनाटमी कवर करेंगे हम इसमें और कुछ फिजियोलॉजी कवर करेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं विद दी एनाटमी। एनाटमी क्या है स्टमक की? स्टमक इज़ ए डायलेटेड पार्ट, एक ऑर्गन है जो प्रेजेंट होता है एब्डोमेन में। हमें कैसे पता पड़ेगा कौन सी एरिया पे प्रेजेंट है या कौन सी जो इसकी लोकेशन है? तो उसके लिए हम जो एब्डोमेन है उसको डिवाइड करते हैं बाय इमेजिनरी लाइंस इनटू फोर कंपार्टमेंट्स। कितने कंपार्टमेंट्स में? चार कंपार्टमेंट में। कुछ लोग चार कंपार्टमेंट में करते हैं और कुछ लोग नौ कंपार्टमेंट में करते हैं। चार कंपार्टमेंट वाली भी क्लासिफिकेशन जो है वैलिड है और नाइन कंपार्टमेंट और नाइन क्वाड्रेंट्स वाली क्लासिफिकेशन भी वैलिड है। अगर हम नाइन कंपार्टमेंट्स में इसको डिवाइड करेंगे तो ये जे शेप ऑर्गन जो है वो प्रेजेंट स्टार्ट होता है द लेवल ऑफ एपिगैस्ट्रिक और वो मूव करता हुआ एंड होता है अम्बिलिकस लेवल पे। ठीक है, इस तरह का वो स्ट्रक्चर होता है। इसकी कौन कौन से पार्ट्स हैं हम उसकी बात करेंगे। टोटल लेंथ जो होती है वो 25 सेंटीमीटर की होती है और इसकी कैपेसिटी है 1.5 टू 2 लीटर की कैपेसिटी है। स्टमक के चार पार्ट्स होते हैं, फोर पार्ट्स में। सबसे जो डायलेटेड पार्ट होता है दिस वन कॉल्ड अ फंडस बाय इमेजिनरी लाइन विच इज़ डिवाइडेड, और बाकी 90% जो पार्ट होता है उसे कहते हैं बॉडी ऑफ द स्टमक। देन टू पार्ट्स आते हैं, द वन इज एंट्रम एंड जो लास्ट पार्ट होता है उसे कहते हैं पाइलोरस। उसके बाद वो स्टार्ट होता है ड्यूडेनियम में। तो चार पार्ट्स में स्टमक डिवाइडेड है। जे शेप ऑर्गन है, 25 सेंटीमीटर की लेंथ होती है और 1.5 से 2 लीटर की इसकी कैपेसिटी होती है। सिंपल कोलमनर एपिथीलियम इसकी लेयरिंग होती है, इसकी बनी होती है। ठीक है, सर्टेन ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं कुछ फंडस में, कुछ बॉडी में, कुछ पाइलोरस और एंट्रल रीजन पे होते हैं ग्लैंड्स जो सर्टेन सीक्रेशंस जो है सीक्रेट करते हैं, जिससे हमारा जो हम खाना खाते हैं वो एसिडिक भी होता है, काइम फॉर्मेशन भी होती है और साथ में वो खाना जो है उस पर जो भी बैक्टीरिया होते हैं वो भी किल हो जाते हैं। तो हम आगे वो सारी चीज़ें फिजियोलॉजी में कवर करेंगे। ब्लड सप्लाई की हमने बात की थी इनिशियली कि ब्लड सप्लाई डिवाइडेड है और ये ऑर्गन जो है ब्लड सप्लाई के साथ रिच है बहुत। तो इसकी चार आर्टरीज है मोस्ट कॉमनली जो सप्लाई करती हैं। लेसर कर्वेचर पर सप्लाई करती है आपकी लेफ्ट गैस्ट्रिक आर्टरी जो ब्रांच है और निकलती है सीलिक ट्रंक से। राइट गैस्ट्रिक आर्टरी सप्लाई करती है फ्रॉम हेपेटिक पार्ट से, वो लोअर पार्ट ऑफ दी लेसर कर्वेचर को सप्लाई करती है, जबकि लेफ्ट साइड पे सप्लाई करती है लेफ्ट जेस्ट्रो एपिपोलाइक आर्टरी जो ब्रांच है स्प्लेनिक आर्टरी की एंड लोअर पार्ट ऑफ दी जो है ग्रेटर कर्वेचर को सप्लाई करता है राइट एपिपोलाइक गैस्ट्रिक आर्टरी विच इज़ द ब्रांच ऑफ गेस्ट्रो ड्यूडिनल आर्टरी। एक शॉर्ट गैस्ट्रिक आर्टरी भी सप्लाई करती है और फॉर्म करती है बैक साइड पे एक स्टमक बेड जो सर्जिकली बहुत रिलेवेंट होता है, स्पेशली जब सर्जरी में पेशेंट जाता है और किसी भी सर्जरी में स्टमक की। ठीक है, और फंडस को सप्लाई करती है वो शॉर्ट गैस्ट्रिक आर्टरी, वो ब्रांच जो है वो है आपकी स्प्लेनिक आर्टरी की। हमने नर्व सप्लाई पढ़ी थी कि इसके दो टाइप की नर्व सप्लाई इनको इसको स्टमक को सप्लाई करती है, द वन इज सिंपैथेटिक नर्व सप्लाई एंड सेकंड वन इज पैरासिंपैथेटिक नर्व सप्लाई। इसका काम क्या है वो हम फिजियोलॉजी में पढ़ेंगे आगे कि पैरासिंपैथेटिक और सिंपैथेटिक नर्व सप्लाई का फंक्शन क्या है, मगर इस वक्त ये कि सिंपैथेटिक नर्व सप्लाई जो है वो हमेशा इनहेबिट करेगी सीक्रेशंस को। ठीक है, और पैरासिंपैथेटिक हमेशा बढ़ाएगी सीक्रेशंस को। पहली पॉइंट ये, सिंपैथेटिक सप्लाई कहाँ से आती ओरिजिनेट होती है? T6 टू T10 जो है स्पाइनल सेगमेंट, हमारी स्पाइन है ना वहाँ से जो वेसल्स नर्व्स आती हैं, तो T6 से लेके T10 तक जो सेगमेंट्स है वो सप्लाई करते हैं सिंपैथेटिक। किसको? मोटर टू पाइलोरिक रीजन, जो ये नीचे वाला पार्ट है ना इसको, और क्या करती है कौन सी सेंसेशन ले जाती है? पेन सेंसेशन फ्रॉम स्टमक टू द ब्रेन। ठीक है, जबकि पैरासिंपैथेटिक नर्व सप्लाई जो है उसकी ब्रांचेस गैस्ट्रिक मोटिलिटी बढ़ाती हैं और गैस्ट्रिक सीक्रेशंस को निकालती हैं। आगे हम फिजियोलॉजी में सारी बात कवर करेंगे इसकी, कैसे सीक्रेशंस बनती हैं, कैसे मोटिलिटी बढ़ती है, इस पर मोटिलिटी बढ़ती है गैस्ट्रिक की। लिम्फेटिक ड्रेनेज ऑफ द स्टमक, लिम्फ नोड्स कौन कौन से सप्लाई कर जो ड्रेन करते हैं? पैरा पेनक्रियाटो स्प्लेनिक नोड्स जो पेनक्रिया और स्प्लीन के दरमियान होते हैं स्पेशली स्टमक बैक पे। ठीक है, वो सप्लाई करते हैं राइट गैस्ट्रो एपिपोलाइक
नोड्स होते हैं लोअर साइड पे, इसकी इसकी बात कर रही हैं जो तीन चार नोड्स नज़र आ रहे हैं, ठीक है। लेफ्ट गैस्ट्रिक नोड्स जो होते हैं, दीज आर दी लेफ्ट गैस्ट्रिक नोड्स ऊपर वाले। और पाइलोरिक नोड्स पाइलोरस पे के करीब होते हैं, दीज आर दी जो कहाँ ट्रेन करेंगे, सिलियक नोड्स में ट्रेन करेंगे, और सिलियक से जो है सिलियक ब्रांच से जो है सप्लाई जो है बैक होती है इनकी। फिजियोलॉजी ऑफ द स्टमक की बात करते हैं हम लोग। फिजियोलॉजी के हमने चार फंक्शंस होते हैं स्टमक के जो कॉमन आपसे पूछ जाते हैं। पहला कि डंपिंग हाउस है, खाने को स्टोरेज करने के हेल्प करता है, हमने बात की थी पहली वीडियो में कि डंप इनिशियल जो डंप होता है वो यहीं पे होता है। उसके बाद मिक्सिंग ऑफ फूड विथ सिक्रेशंस, गैस्ट्रिक सिक्रेशंस से यहाँ पे मिक्सिंग होती है। जैसे घर में हम खाना बनाते हैं तो एक उसमें बर्तन में पहले पानी खाना सब्जी डालते हैं और उसको मिक्स करते हैं, यहाँ पे भी मिक्सिंग होती है कि एक प्रोडक्ट फॉर्म बन सके जो आगे फॉरवर्ड हो। उसके बाद तीसरा काम इसका होता है स्लो एम्पटिंग जो है करवाता है और कंट्रोल करता है कि कितना खाना आपका जो है वो नीचे इंटेस्टिन में जाएगा, कितनी स्पीड से जाएगा, तो रेगुलेट उसको भी करता है। उसके बाद दूसरी हमने उसके मस्कुलर लेयर्स पढ़ लेते हैं। लेयर्स जो होती हैं आउटर जो इनर होती हैं, हम आउटर और इनर कवर करते हैं। सबसे आउटर कवरिंग जो होगी या लेयर होगी उससे हम बोलते हैं सेरोसल लेयर, वो कनेक्टिव टिश्यूज़ की लेयर होती है और पेरिटोनियल लेयर होती है जो कवर करती है स्टमक को। देन लेयर होती है मस्कुलर लेयर, मस्कुलर लेयर डिवाइड है थ्री लेयर स्मूथ मसल्स लेयर में। उसमें फिर जो आउटर लेयर होगी वो ओब्लिक मसल्स होंगे, वो या आपको मसल्स नज़र आ रहे होंगे ओब्लिक मसल सपोर्ट के लिए। जो मिडिल लेयर होगी वो सर्कुलर मसल्स होंगे और जो इनर लेयर होगी वो लॉन्गिट्यूडिनल मसल्स की होगी, ठीक है। उसके बाद हम थर्ड लेयर जो आती है वो आती है सब म्यूकोसल लेयर। सब म्यूकोसल लेयर में आपकी ब्लड वेसल मैंडारिक प्लेक्सिस नर्व्स के आते हैं। फिर जो लास्ट इनर लेयर होती है इसको हम म्यूकोसल लेयर बोलते हैं। म्यूकोसल लेयर जहाँ पे आपके ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं मोस्टली, वो ग्लैंड्स जो हम आगे पढ़ेंगे जो फिजियोलॉजिकल फंक्शन में हेल्प करते हैं आपकी स्टमक के। दीज आर दी र्यूगीज, ये बेसिकली जो है स्मॉल फोल्ड्स हैं एनाटॉमिकली, ये स्ट्रेट हो जाते हैं जब आपका स्टमक फुल हो जाता है या खाना उसमें आ जाता है तो इसका इतना कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, ये एक फोल्ड्स या सिंपल फोल्ड्स हैं। अब हम ग्लैंड्स की बात करते हैं। बाय लोकेशन ग्लैंड्स डिवाइडेड हैं, कार्डियक ग्लैंड्स जो हैं वो पार्ट्स में डिवाइडेड हैं, जैसे फंडस पार्ट हो गया, फंडक ग्लैंड वहाँ उसके नाम दे दिया हमने, ठीक है। कार्डिया बॉडी को कहते हैं, या एरिया स्मॉल एरिया होती है इनिशियली कार्डिक पार्ट, उससे उसमें जो ग्लैंड्स मौजूद होंगे उसे बोलेंगे कार्डियक ग्लैंड्स। और द लास्ट वन इस बॉडी में कुछ ग्लैंड्स नहीं होते, पाइलोरस पार्ट जहाँ और एंट्रल पार्ट जहाँ पे पाइलोरिक ग्लैंड्स मौजूद होते हैं। इन ग्लैंड्स के अंदर सेल्स होते हैं, द कॉमन ग्लैंड सेल्स कौन से होते हैं, म्यूकोसल सेल्स जो फैट सेल्स होते हैं जो फैट प्रोवाइड करते हैं। उसके बाद पैरिटल सेल्स, चीफ सेल्स, क्रोमोफिन सेल्स और क्रोमोफिन लाइक सेल्स होते हैं जिनके अपने अपने फंक्शंस हैं। म्यूकोसल सेल की हमने बात की कि वो फैटी सेल्स होते हैं, वो फैट फॉर्म करते हैं। पैरिटल सेल्स जो होते हैं वो कौन कौन से सीक्रेशंस बनाते हैं, वो इंट्रिंसिक एसिड फैक्टर्स बनाते हैं और रिलीज करते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड को। चीफ सेल्स जो होते हैं वो हिस्टामिन सीक्रेशंस वगैरह करवाते हैं, ठीक है। और इंटरक्रोमोफिन सेल भी यही काम करते हैं हिस्टामिन जैसा ही। चीफ सेल्स जो हैं वो पेप्सिनोजन फॉर्म बनाते हैं, पेप्सिनोजन इनएक्टिव फॉर्म ऑफ एसिड है, वो कन्वर्ट होता है पेप्सिन में। पैरिटल सेल्स आर दी ओनली फंडस सेल्स जो फंडस में प्रेजेंट होती हैं, सीक्रे करते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड इंट्रिंसिक फैक्टर्स को, ठीक है। इंट्रिंसिक फैक्टर किस वजह ज़रूरत है वो हम जब एनीमिया पढ़ेंगे उसमें आपको पता पड़ेगा कि इंट्रिंसिक सेल्स विटामिन B12 की एब्जॉर्प्शन के लिए चाहिए होता है, तो वो यहीं से फॉर्म होता है इन्हीं सेल्स से। हाइड्रोक्लोरिक एसिड आपकी pH जो स्टमक की उसको एसिडिक बनाता है और जो भी ऑर्गेनिजम्स हैं उनको किल करता है। अनदर टाइप ऑफ सेल का चीफ सेल्स जो फंडस में ही प्रेजेंट होते हैं और सीक्रेट करते हैं पेप्सिनोजन विच इज़ इनएक्टिव फॉर्म ऑफ पेप्सिन, तो रिक्वायर किसके लिए होते हैं, प्रोटीन ब्रेकडाउन एंड डाइजेशन के लिए आपको ही चाहिए। दिस इज ए सिंपल आपका
जो है टेबल है जो आपको बता रहा है कौन कौन से सेल्स आपके प्रेजेंट होते हैं, उनका काम क्या है। तो हमने बात की थी पैराइटल और चीफ सेल की। पैराइटल हाइड्रोक्लोरिक एसिड और इंट्रिंसिक फैक्टर बनाता है, चीफ सेल पेप्सिनोजेन और गैस्ट्रिक लाइपेज बनाता है जो फैट और प्रोटीन को डाइजेस्ट करवाते हैं। इसके अलावा जी सेल्स मौजूद होते हैं आपके स्टमक में जिसे गैस्ट्रिन सेल कहते हैं, वो गैस्ट्रिक एसिड की सीक्रेशन बढ़ाते हैं, स्टिमुलेट करते हैं। एंटेरोक्रोमाफिन सेल हिस्टामिन रिलीज करवाते हैं स्टमक से, ठीक है, और जो है एंटीहिस्टामिन इफेक्ट देते हैं। म्यूकस नेक सेल्स, हमने म्यूकस सेल्स की बात की थी, वो एक मतलब प्रोटेक्ट करते हैं, और गॉबलेट सेल होते हैं फैट प्रोवाइड करते हैं। डी सेल्स सोमेटोस्टैटिन सेल्स सीक्रेट करते हैं, ये क्या करता है, ये इनहेबिट करता है गैस्ट्रिक एसिड सीक्रेशंस को। हमने नेगेटिव और पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म पढ़ेंगे, उसमें ये मैकेनिज्म्स काम आएंगे सीक्रेशंस, कौन सी सीक्रेशंस जो हैं एसिड बेस को बढ़ाती हैं, कौन सी सीक्रेशन जो है एसिड्स को कम करती है, कौन सी चीज़ें जो हैं स्लाइवा फॉर्मेशन करवाती हैं, सारी चीज़ें मेरी आपकी आगे वीडियोस में कवर हो जाएंगी। अब बारी आती है गैस्ट्रिक सीक्रेशंस किन किन फेजेस में निकलती हैं। जो गैस्ट्रिक सीक्रेशंस हैं वो तीन फेजेस में निकलती हैं, द वन इज सेफेलिक फेज, गैस्ट्रिक फेज एंड इंटेस्टिनल फेज। सेफेलिक फेज क्या होता है, आप सामने खाना आया या आपने खाने के बारे में सोचा, तो दिस इज सेफेलिक फेज। इसमें क्या होगा, आपकी जो है मुंह में सलाइवेशन होगी, आपकी जो सेफेलिक सेल्स हैं वो एक्टिवेट हो जाएंगे, मुंह में सलाइवेशन होगी, गैस्ट्रिक सेल्स रिलीज होना शुरू हो जाएंगे हल्का हल्के, ठीक है। इसके बाद द गैस्ट्रिक फेज, जब आपने खाना खा लिया गैस्ट्रिक में आ गया, तो उसको जो है उसको हाइड्रोक्लोरिक एसिड पेप्सिनोजन पेप्सिन रिलीज होना शुरू हो जाएगा जो खाने को सेमी सॉलिड फॉर्म बनाएगा। और द थर्ड इज इंटेस्टिनल फेज, और देन दी जैसे आप खाना खाएंगे कुछ खाना आपका वहीं पे रहेगा, कुछ खाना जो आपने पहले खाया होगा कुछ रिफ्लेक्सेस थ्रो वो खाना इंटेस्टिनल फेज में मूव होगा। तो ये कंप्लीट एक जो है रेगुलेशन है कि कैसे खाना आता है, कैसे खाना इंटेस्टिन तक मूव होता है। सेफेलिक फेज, इट अकर्स इवन बिफोर फूड इंटर्स स्टमक, मतलब खाना स्टमक में हुआ ही नहीं उससे पहले स्टार्ट हो जाता है। इट रिजल्ट फ्रॉम साइट स्मेल थॉट ऑफ फूड, कि आपने सोचा देखा या जो है खुशबू आपको आई तो आपकी सेफेलिक फेज स्टार्ट हो जाता है। इट अकाउंट फॉर 30% ऑफ गैस्ट्रिक सीक्रेशन, 30% तक ये गैस्ट्रिक सीक्रेशन निकलवाता है, ठीक है। न्यूरोजेनिक सिग्नल ट्रांसमिट थ्रू द वेगस नर्व, तो वेगस नर्व के थ्रू इसके जो है सिग्नल जाते हैं ब्रेन तक और सीक्रेशन आपकी स्टमक में रिलीज होना शुरू हो जाती हैं। सेफेलिक फेज की हमने बात कर ली थी, अब हम बात करेंगे गैस्ट्रिक फेज की। गैस्ट्रिक फेज में क्या होता है, जब वंस फूड इंटर द स्टमक एक्साइट्स लोकल एंटेरिक रिफ्लेक्सेस गैस्ट्रिन मैकेनिज्म विच कॉज स्टिमुलेशन ऑफ गैस्ट्रिक जूस सीक्रेशंस। तो क्या होगा, जब भी खाना आएगा उधर तो मैकेनिज्म स्टार्ट हो जाएगा, डायरेक्ट रिफ्लेक्सेस स्टार्ट हो जाएंगे वेगस नर्व के, वो क्या करेंगे जैसे हमने बात की थी पैरासिम्पेथेटिक नर्व जो है गैस्ट्रिक की सीक्रेशंस को बढ़ाता है, वहाँ से हाइड्रोक्लोरिक एसिड को निकालेगा, ठीक है, अदर सीक्रेशंस को निकालेगा, वो क्या करेंगी वो फूड को काइम फॉर्मेशन में फॉर्म तब्दील करेंगी। इट अकाउंट्स फॉर 60% ऑफ गैस्ट्रिक सीक्रेशंस, 60% ये गैस्ट्रिक सीक्रेशंस का बनाते हैं, 30% सेफेलिक फेज था और 60% ये था। अब हम बात करेंगे द लास्ट फेज जिसे हम कहते हैं इंटेस्टिनल फेज। प्रेजेंस ऑफ फूड इन द ड्यूडेनम और अपर पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टिन पार्ट, अगर खाना आपका ड्यूडेनम में बढ़ा हुआ है या स्मॉल इंटेस्टिन में बढ़ा हुआ है वो क्या करेगा, स्टिमुलेट करेगा स्टमक को सीक्रेट स्मॉल अमाउंट ऑफ गैस्ट्रिक जूस, गैस्ट्रिक जूस को स्मॉल अमाउंट में, क्यों, क्योंकि गैस्ट्रिक जूस जितना ज़्यादा निकलेगा खाना उतना देर तक वहाँ पड़ा रहेगा। दिस ड्यू टू रिलीज ऑफ गैस्ट्रिन इन द ड्यूडेनल म्यूकोसा, गैस्ट्रिन रिलीज करना ड्यू टू ड्यूडेनल म्यूकोसा, और ये 10% आपकी गैस्ट्रिक सीक्रेशंस का है। तो सेफेलिक फेज से स्टार्ट होता है आपकी सीक्रेशंस निकलना और वो डिवाइडेड होंगी किसमें, गैस्ट्रिक एंड इंटेस्टिनल फेज में। तो यहाँ पे हमारा टॉपिक एंड होता है, अगले टॉपिक में हम पढ़ेंगे कि ये सीक्रेशंस जब निकलती हैं तो इसका रिफ्लेक्सेस कौन कौन से रिफ्लेक्सेस इसके साथ पेशेंट को रिफ्लेक्सेस होते हैं। कोई क्वेश्चन हो, कोई क्वेरी हो, आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा। थैंक यू।